यदि सिंह अहिंसक हो जाए गीदड़ भी शौर्य दिखाते हैं, यदि गरुड़ संत सन्यासी हो तब सर्प पनपते जाते हैं। इस शांति अहिंसा के चक्कर में अपना विनाश आरंभ हुआ, जब से अशोक ने शस्त्र तजे भारत विघटन प्रारंभ हुआ। जय हो बाहुबली। भगवान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की सिंह की अहिंसा और भारत का विघटन, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारतीय सभ्यता की धारा में अहिंसा और शांति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महात्मा बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों ने अहिंसा को जीवन का मूल मंत्र माना। लेकिन क्या हर परिस्थिति में अहिंसा का पालन सही होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास के पन्नों में ढूंढना होगा। प्राचीन काल में भारत के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा का मार्ग चुना। उनके इस निर्णय ने भारतीय समाज और राजनीति में एक गहरा प्रभाव डाला। अशोक का यह निर्णय एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नए दिशा में मोड़ दिया। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और हिंसा की जगह शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया गया। अहिंसा का प्रभाव, अहिंसा और शांति की नीति ने भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध किया। बौद्ध धर्म का विस्तार न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी हुआ। भारत की पहचान एक शांति और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बनी। परंतु इस अहिंसा और शांति की नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। भारत का विघटन शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। शक, हूण, मंगोल, डच व अन्य आक्रमणकारियों ने भारत की कमजोर सैन्य शक्ति का फायदा उठाया और भारत में बार बार आक्रमण किए। इससे भारतीय समाज और राजनीति में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अहिंसा की सीमाएं यह सत्य है कि अहिंसा एक महान सिद्धांत है, परंतु इसका पालन हर परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता। जब सिंह शक्ति अहिंसक हो जाता है तो गीदड़ कमजोर भी शौर्य दिखाने लगते हैं। इसी प्रकार जब गरुड़ शक्ति का प्रतीक, संत और सन्यासी हो जाते हैं तब सर्प दुष्ट शक्तियां पनपने लगते हैं। सम्राट अशोक के शस्त्र त्यागने के बाद भारत में राजनीतिक और सैन्य विघटन शुरू हुआ। इस विघटन ने भारत को कमजोर कर दिया और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आसान शिकार बना दिया। अहिंसा और शांति के चक्कर में हमने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को खो दिया। निष्कर्ष इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी सिद्धांत का अंधानुकरण करना उचित नहीं होता। शांति और अहिंसा महत्वपूर्ण है, परंतु अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी आवश्यक है। भारत के इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि हमें शांति और अहिंसा के साथ साथ अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा कर सकें। शांति और अहिंसा का मार्ग महान है, परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमें अपने शस्त्रों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जब सिंह अहिंसक हो जाता है तो गीदड़ भी शौर्य दिखाने लगते हैं। इसलिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें और इसे सुरक्षित रख सकें। सूचना कोई भी व्यक्ति ज्यादा ज्ञान देने का प्रयास न करे, यह स्वयं का ओवरफ्लो है। सर्वेश कुमार मौर्य, गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व मौर्य परिषद।